हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे जो है आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं और जो एकाग्रता है उसको बढ़ा करके हर काम में सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एकाग्रता कंसंट्रेशन का जीवन में बहुत महत्व होता है। इसके जरिए हम जो भी चाहे काम कर सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी काम की बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन या फोकस को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लेंस होता है, अगर हम उसको एक कागज़ पर टिका के रखते हैं सूरज की रोशनी में तो कागज़ को जला देता है, और अगर हम उसको हिलाते रहते हैं लेंस को इधर उधर तो कागज़ को नहीं जला पाता है। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे दिमाग में और मन में इतनी असीमित शक्ति है कि हम अगर फोकस और कॉन्सेंट्रेशन करें और उसको बढ़ाएं तो हम किसी भी कार्य पर फोकस और कॉन्सेंट्रेशन करके उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है क्या होता है, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में बहुत से बच्चे जो होते हैं पढ़ते हैं वो कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आया, हमें याद नहीं रहता, या जो वो कहते हैं कि टीचर द्वारा समझा दीजिए। तो दोस्तों, इसका यही कारण होता है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन या फोकस उस पर नहीं होता है। अनवांटेड मूवमेंट्स बहुत होती हैं, वो इधर उधर देखते रहते हैं, हिलते रहते हैं। तो दोस्तों, छोटे बच्चों में तो ठीक है, लेकिन बड़े बच्चे भी कई प्रकार जो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों, जो कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, इसके क्या कारण होते हैं? इसके कारण होते हैं थकान या इमोशनल टेंशन। तो दोस्तों, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम होते हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी, तो इसके कारण उनकी एनर्जी लॉस होता है, वो थक जाते हैं, या उनको कोई टेंशन होती है किसी प्रकार की, तो इस कारण भी वो है किसी कार्य पे, पढ़ाई पे, किसी भी काम में है जो फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते। तो एक इसका कारण कम नींद का भी होना होता है। आजकल लोग टीवी पर, इंटरनेट पर या और चीज़ों में जो है देर रात तक लगे रहते हैं और वो नींद पूरी नहीं लेते हैं। नींद की कमी होने के कारण दोस्तों जो है माइंड का फोकस या कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनती है, और इस कारण वो सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाते हैं। इसके कारण भी जो है कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ जाती है। ठीक से खाना ना खाना, तो दोस्तों कई बार बच्चे बूढ़े भी आजकल या बड़े भी जो होते हैं जल्दबाजी में ठीक से खाना नहीं खाते, इस कारण उनके शरीर और दिमाग को पूरे संतुलित भोजन नहीं मिल पाता, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। तो इसके कारण न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ जाती है। तो शरीर में दोस्तों कोई बीमारी या दर्द के कारण, अगर शरीर में कोई दर्द है बीमारी है तब भी इंसान का ध्यान उधर जाता रहता है, इसके कारण भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। या इन्वायरमेंट दोस्तों, अगर हमारे आस पास ऐसा डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट हो, जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं, किसी ने टीवी लगाया हुआ है पढ़ने बैठे हैं, या और भी किसी ने म्यूजिक लगाया हुआ है, तब भी डिस्टर्बेंस के कारण या ऐसे माहौल के कारण भी कॉन्सेंट्रेशन बनाने में कमी आती है। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जो है फर्श पर या जमीन पर एक मैट के ऊपर बैठ करके जो मंत्र की मुद्रा होती है, जैसे उसमें बैठ जाएं और जो है अपने मन पर, अपने माइंड का जो सेंटर होता है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और 15-20 मिनट ऐसे बैठिए, तब भी जो है कॉन्सेंट्रेशन बनाने में इसमें आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, कुर्सी पर बैठकर भी ऐसा कर सकते हैं, कुर्सी पर भी बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में शरीर को ढीला छोड़ करके बैठ जाएं और ऐसा 10-15 मिनट तक करें, और अपनी सांसों पर हल्का हल्का ध्यान केंद्रित करें, इससे भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ सकती है। दोस्तों, इसके बाद एक जगह पर नजर टिकाना, जैसे कि आप कोई कैंडल जला लें या कोई और चीज जो टिकी हुई हो उसको रख दें, और उसके किसी सेंटर पॉइंट पे जो है अपनी आंखों को या उसके ध्यान अपना टिकाएं। तो ऐसा करने से भी 15-20 मिनट अगर आप उसको ध्यान से बिल्कुल एक रिलैक्स अवस्था में बैठ करके, सीधी अवस्था में बैठ करके देखें, तब भी है आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, इसके बाद खुद पर ध्यान लगाना, खुद की जो प्राणायाम की मुद्राएं हैं वो कर सकते हैं, सांसों पर फोकस कर सकते हैं। इसके लिए आप अलार्म क्लॉक लगा लीजिए और कोई टास्क या कार्य करना शुरू कीजिए, और जो है उसको उस सीमित समय के अंदर उस कार्य को करने की कोशिश कीजिए। इससे जो है आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा और आप काम भी करते रहेंगे। इस एक्सरसाइज में जो है दोस्तों, जो है उस निर्धारित समय से पहले उस काम को कीजिए। इसके एक तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट में सुधार होगा और जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। दोस्तों, क्या है मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन जो है बहुत ही अच्छी टेक्निक मानी गई है। आप मेडिटेशन करके भी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन को सीख सकते हैं। इसके लिए बहुत से वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, आप मेडिटेशन सीख कर भी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं और जिंदगी में सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके।